क्लास सेवेंथ विषय बेटा आपका हिंदी फर्स्ट द चैप्टर आपका जो सेकंड है इसका हम व्याकरण कौशल आज आपको करवा रहे हैं। आज बेटा सभी स्टूडेंट पहले बुक फिल करेंगे व्याकरण कौशल में। तो बेटा इसका देखें व्याकरण कौशल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को उचित कारक चिन्हों द्वारा पूर्ण कीजिए। इसका बेटा पहला क्वेश्चन देखें, एक और तख्त छोटी दरी चादर और तकिया भी है। तो बेटा यहाँ पे क्या कारक आएगा चिन्ह, तो लिखें एक और तख्त पर, यहाँ बेटा ऐसा कारक चिन्ह हो जाएगा पर, तो यहाँ पे बेटा पर फिल कर दीजिए। दूसरा देखिए, उस काल खाली स्थान बेटा इसमें यहाँ पर मैं फिल करेंगे। उसके बाद में देखो नदियों और पोखरों जल निर्मल हो जाता, तो यहाँ बेटा का फिल कर दीजिए, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा उस काल में नदियों और पोखरों का जल निर्मल हो जाता था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, वे हमारा मन लुभाने गाना गाते हैं। मच्छरों के बेटा कहा गया तो के लिए, तो थर्ड वाले में आप लोग के लिए शब्द फिल कर देंगे। वहीं इस रोग का जन्म होता है, तो यहाँ बेटा का आप कारचन लगाएंगे आप इसमें। पांचवा से क्वेश्चन देखें लास्ट वाला, सब लोग हर्ष से मुस्कुरा रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा से शब्द जो है कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह बेटा ये आपको पांचों सेंटेंसों में कारक चिन्ह आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे बेटा देखिए, कहना का कहता, फैलना का फैलता, एक का एकता, सुंदर का सुंदरता, चलना का चलता, रोग का रोगाणु। इसी प्रकार से देखें निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बेटा देखो जी, वचन आप लोग जानते हैं एक वचन और बहुवचन, तो जब कोई बेटा शब्द एक वचन तो उसका बहुवचन बनाएंगे, और बहुवचन शब्द है तो उसका आप लोग एक वचन बनाएंगे। तो बेटा पहला शब्द इसका दिया गया चादर, तो इसका शब्द बेटा बहुवचन क्या हो जाएगा, चादरें। और इसका बेटा वाक्य अपने आप स्वयं बनाएंगे, तो कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि हमें अपनी चादरों को स्वच्छ रखना चाहिए। सेकंड बेटा शब्द देखें बीमारी, इसका बेटा हो जाएगा बीमारियां, तो इसका बेटा कोई भी एक सेंटेंस बना लीजिए, मच्छर बीमारियां फैलाती हैं, इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। बेटा देखिए मच्छरों, इसका बेटा एक शब्द क्या होगा, मच्छर, तो इसका सेंटेंस बना लीजिए, मच्छरों से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट शब्द बेटा देखें फावड़े, फावड़े शब्द बेटा बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा, फावड़ा, तो बेटा इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, फावड़ों फावड़े से खुदाई की जाती है। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट पूर्ण हो जाएगा सभी का। द लास्ट क्वेश्चन का देखें आप, रिक्त स्थानों में सर्वनाम का शुद्ध रूप लिखिए। बेटा कुछ शब्द जो दिए गए हैं ध्यान दें, जैसे उसे उस इन शब्दों में से जो शब्द इसमें से सही इसमें फिल हो जाए शुद्ध वाक्य के रूप शब्दों के रूप में, उसे आप इसमें फिल करेंगे। दिया गया है आपका का, सब गांव वाले दादा कहते हैं, किसे बेटा, तो यहां से शब्द करेंगे बेटा पहली वाली बार सेंटेंस में उसी शब्द। दूसरा बेटा दिया गया आपका भी औरों जैसा गीदड़ समझा है क्या, तो इसमें करेंगे मुझे भी औरों जैसा गीदड़ समझा है क्या। लोग में डालते हैं, उसी में कूड़ा डालते हैं, तो सब बेटा यहां पर आ जाएगा आप उसी शब्द। सर लास्ट में इसका देखें, हम बस्ती से दूर इकट्ठा करेंगे, किसे, उसे, हम उसे बस्ती से दूर इकट्ठा करेंगे। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आपको दो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा फर्स्ट ये व्याकरण कौशल का, और दूसरा क्वेश्चन इसमें कर देंगे आप लोग फोर्थ वाला, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये सूत्र आपको हम करवा चुके हैं। इस तरह से आपके पूर्ण दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। थैंक यू।